हेलो स्टूडेंट्स, क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइनिंग में हम लोग लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखेंगे कि अगर स्टेट टेबल डायग्राम दिया हुआ जिसमें सारे स्टेट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज अनयूज्ड स्टेट, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। किसी फ्लिप फ्लॉप से कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पर एसआर फ्लिप फ्लॉप से उसको करने जा रहे हैं। जो स्टेट रह जाए उसमें हम लोग डॉन केयर कंडीशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है जो हम लोग देखते हैं, और इसके अंदर कुछ स्टेट्स अनयूज्ड बचे होंगे, उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक स्टेट टेबल दे रखा है जिसमें कि प्रेजेंट स्टेट इनपुट और नेक्स्ट स्टेट दिया हुआ और आउटपुट दिया हुआ। फ्लिप फ्लॉप इनपुट हमें बाद में निकालना होता है। हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10 ही दे रखा हुआ है, 0, 3। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो 0, 1, हमारे पास यहाँ पे इनपुट ए बी सी और एक्स है, तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो 0, 1 नहीं दे रखा हुआ है, 12, 13, 14, 15 नहीं दे रखा हुआ, 0, 1, 12, 13, 14, 15 नहीं रही है। जहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे डॉट के कंडीशन के रूप में यूज़ होगा। अब हम लोग ये जो दे रखा है इसके हिसाब से हम लोग फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स बनाएंगे। तो डेफिनेटली प्रेजेंट स्टेट 3 है, ए बी सी, नेक्स्ट स्टेट 3 है, तो उसके हिसाब से हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप लेने जा रहे हैं। तो 3 एसआर फ्लिप फ्लॉप लेंगे, एसआर तो एस ए आर ए, एस बी आर बी और एस सी आर सी, एस सी और आर सी, बाकी सब दिया हुआ। इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो उसके लिए हम लोग एक्साइटेशन टेबल यूज़ करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जो कि हमें मालूम है क्या होता है। जस्ट यहाँ पर मैं दिखा दूँ, हमें मालूम है, ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है एक्साइटेशन टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। 0, 0 पे 0 क्रॉस, 0, 1 पे 1, 0, 1, 0 पे 0, 1 और 1, 1 पे क्रॉस 0 होता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोग जो है इस फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को भरते देखते हैं जल्दी से कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट ए और नेक्स्ट स्टेट ए, अगर इन दोनों में देखें तो 0, 0 है, तो 0, 0 की जगह पे 0 क्रॉस होता है तो 0 क्रॉस भर दिए। उसी तरीके से अगर हम लोग बी के लिए देखेंगे तो 0, 0 होता है तो वहाँ भी 0 क्रॉस भर दिए। सी के लिए हम लोग देखेंगे 1, 1 होता है तो 1, 1 की जगह पे क्रॉस 0 भर दिए। इसी तरीके से हम लोग फिर यहाँ देखेंगे 0, 0 0 क्रॉस दिखाई दे रहे, 0, 0 0, 0 तो 0 क्रॉस, फिर यहाँ पे देखें ध्यान से 0, 1 तो 1, 0 और फिर 1, 1 0 तो 0, 1। इस तरीके से हम लोग ये सब के लिए एक एक करके भर लेते हैं। देखे किसी को भी ध्यान से एक और देख ले, हम लोग यहाँ पे सेकंड लास्ट ये 1, 0 है तो 1, 0 के लिए 0, 1 होता है तो वो 0, 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखे ये बी पे, यहाँ पे 0, नेक्स्ट स्टेट बी पे भी 0 है तो 0, 0 पे 0 क्रॉस होता है, यहाँ पे 0 क्रॉस डाल दिए। और इसी तरीके से सी के लिए देख लें, प्रेजेंट स्टेट 1 और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, इसके लिए क्रॉस 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे के लिए हम लोग भर लेते हैं। इसको भरने के बाद फिर हम लोग के पास ये तैयार हो गया। अब इसके हिसाब से एस ए आर ए, एस बी आर बी, एस सी आर सी, वाई, इसको के मैप बना के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमें सबकी वैल्यू मिल जाएगी। एस ए की जगह बी एक्स मिला है, आर ए की जगह सी एक्स बार मिला है, एस बी की जगह ए बार बी बार एक्स मिला है, आर बी की जगह बी एक्स प्लस बी सी मिला है, एस सी की जगह एक्स बार मिला है, आर सी की जगह एक्स मिला है, वाई की जगह ए एक्स मिला है। दिख रहा है इन सबों में वो 6 स्टेट जो अनयूज्ड बचे थे उन सबों पे डॉन केयर लगा देते हैं हम लोग, और इस तरीके से हमें ये सारे वैल्यूज मिल गए। फिर इसको हम लोग आराम से फ्लिप फ्लॉप यूज करके इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप था, 3 SR फ्लिप फ्लॉप हम लोग ने लिया, ए ए बार, बी बी बार, सी सी बार, और आउटपुट के लिए अलग से दिखाई दे रहा है, आउटपुट के लिए हमारा अलग से है वो वाई, तो उसी को हम लोग डायरेक्टली जो है अप्लाई कर देते हैं। दिखाई दे रहा है एस ए की जगह पे, एस ए की जगह पे दिख रहा है बी एक्स है, आर ए की जगह पे सी एक्स बार है, एस बी की जगह पे ए बार बी बार एक्स है, आर ए की जगह पे देखिए, आर बी की जगह पे देखिए बी सी प्लस बी एक्स है, एस सी की जगह पे एक्स बार है, और आर ए के आर सी की जगह पे एक्स है, और वाई की जगह पे यहाँ से ये ए और यहाँ से एक्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।